You need a great mentor for great success, and Subhash Ghai is one who is fulfilling his responsibility as a mentor to make his pupils successful. Shabana Azmi, who was a guest, shared her experience at the Subhash Ghai Whistling Woods Institution. मैं जैसा कि सुभाष जी ने शुरू में ही कहा, मैं अपने आप को यहाँ की मेहमान नहीं समझती हूँ. मैं फाउंडर मेंबर्स में से हूँ और जब भी यहाँ आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं फिर से स्टूडेंट होकर और विस्लिंग वुड्स में ही सीखूँ, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को, मैं समझती हूँ ऐसी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं हिंदुस्तान में. और ये बहुत हैरत की बात है क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं और फिर भी उसके हिसाब से जितने इंस्टीट्यूट्स हमारे पास होने चाहिए फिल्म मेकिंग के लिए वो नहीं है. विस्लिंग वुड्स ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलता है और मैं चाहूँगी कि इनके कामयाबी, इनके कदम हर दिन हर साल चूमते रहें. Speaking to the media, Shabana Azmi reacted intensely to the Padmavati fire incident that freedom of expression is very important as ours is a democratic country and it's very bad for a country like us. मैं समझती हूँ जो हो रहा है वो बहुत गलत है और वो हमारी मुल्क की सेहत के लिए बहुत ख़राब है. इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए. ये जो सरकार है उसको फौरन इसको एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह ट्रीट करके उसके ऊपर सख्ती से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज के माहौल में 10 लोग उठ के किसी भी चीज़ पे इतराज़ कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं और यहाँ तो हिंसा हो रही है. ये जो कोशिश की जा रही है हमारे माहौल में कि किसी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आर्टिस्ट की सबसे बड़ी ताकत है, उसके ऊपर कर्ब लगाई जाए, ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं हो सकती. देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में आपको पूरा हक है कि आप ऐसी चीज़ कहें जो मुझे पसंद नहीं हो, आपको यह हक है, लेकिन उसका कहने का तरीका एक होना चाहिए और वो कहने का तरीका हिंसा नहीं हो सकती. उसको टॉलरेट करना, इट मीन्स दैट यू आर कंप्लिसिट इन द क्राइम. आई कंडेम दिस अटैक ऑन संजय लीला बंसाली विद एवरी बोन इन माई बॉडी. Shabana Azmi also shared her experience with the students at Whistling Woods. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो दौर है एक्टिंग का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टैंडर्ड भी बदल रहा है मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी, क्योंकि सब एक्टर्स सिर्फ एक फिल्म एक वक्त पे कर रहे हैं तो उनको वक्त मिलता है कि वो एक कैरेक्टर को पूरी तरह से सजाएं. और एक्टर्स अपने आप से भी बहुत डिमांड कर रहे हैं. अभी हाल ही में आपने देखा है कि आमिर खान ने किस तरह से इतना सारा वज़न बढ़ाया, उसको घटाया. इससे पहले फरहान ने भाग मिल्खा भाग में कितनी मेहनत की वगैरह वगैरह. तो ये बहुत अच्छा माहौल है और पहली बार हिंदी सिनेमा में ऐसा हो रहा है कि हर उम्र के कलाकार के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स अवेलेबल हैं. आज से 10-20 साल पहले भी आप नहीं सोच सकते कि मेरी उम्र की औरत के लिए कोई सब्सटेंशियल पार्ट्स हिंदी सिनेमा में हो सकते थे. 30 साल की उम्र में एक लड़की का करियर ख़त्म हो जाता था. आज तो ऐसा लगता है कि 30 साल उसकी शुरुआत है. एंड एवरी काइंड ऑफ रोल इज़ अवेलेबल फॉर एवरी एक्टर ऑफ एवरी एज. आई थिंक द बेस्ट रोल्स दैट आई हैव डन इन द लास्ट 10 इयर्स आर सम ऑफ द फाइनेस्ट रोल्स आई हैव डन इन माय करियर. सो आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी टाइम. Oh, 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 oh